नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टोक्यो ओलंपिक्स, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की ऐतिहासिक जीत, जर्मनी को हराकर जीता कांस्य पदक। कश्मीर, अनुच्छेद 370 को हटे 2 साल पूरे, क्या बदला। पेगासस जासूसी मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में कहा अगर मीडिया रिपोर्ट सही तो आरोप काफी गंभीर। दलित बच्ची की जान किसने ली, पुलिस कहां थी, और दलित महिलाओं पर बढ़ते जुल्म का सच। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में फिर 42,000 से ज्यादा नए मामले, 533 मरीजों की मौत। सिमरनजीत सिंह के 2 गोल की बदौलत भारत ने 2 बार पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए गुरुवार को यहां रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचे। कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक जीता, जिसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। इन 4 दशकों में भारतीय टीम को काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, लेकिन खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी है। उसी का परिणाम है कि 4 दशक बाद भारत को ओलंपिक में मेडल मिला है। 8 बार की ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की 3रे नंबर की भारतीय टीम एक समय 1-3 से पिछड़ रही थी, लेकिन दबाव से उभर कर 8 मिनट में 4 गोल दागकर जीत दर्ज करने में सफल रही। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल किए, जबकि हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह और रुपिंदर पाल सिंह ने 1-1 गोल किया। दुनिया की 4थे नंबर की टीम जर्मनी की ओर से तिमूर औरूज, निकलॉस वेलन, बेनेडिक्ट फुर्क और लुकास विंडफेडर ने गोल किए। आज कुश्ती में रवि कुमार दहिया ने फाइनल मुकाबला खेला, जिसमें उनकी जीत नहीं हो सकी है और सिल्वर मेडल ही हासिल हो सका। जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द किए जाने के 2 साल बाद कई परिवार अपने बेटों की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें 5 अगस्त 2019 से पहले गिरफ्तार किया गया था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय, जिससे राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, परिवारों के अनुसार उनके परिजनों पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी PSA के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो सरकार को 16 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक के लिए हिरासत में रखने की अनुमति देता है। क्षेत्र के मानवाधिकार संगठनों के एक संघ जम्मू एंड कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के अनुसार सरकार ने 5 अगस्त 2019 के बाद PSA के तहत 412 लोगों पर आरोप लगाया, जबकि इनमें से अधिकांश कैदियों को रिहा कर दिया गया है, मगर कुछ ऐसे हैं जो गरीब परिवारों से हैं और कानूनी लागत अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A निरस्त करने के 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TV पर आकर संदेश दिया था कि ये अनुच्छेद इसलिए हटाया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र का विकास हो, मगर 2 साल बीतने के बाद अगर कोई चीज़ हुई है तो गरीबों की तकलीफें और बढ़ी हैं। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों से भ्रष्टाचार की भी खबरें आती रहती हैं। पेगासस कथित जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक साथ सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकार N. राम तथा शशि कुमार द्वारा दी गई अर्जियां भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो ये आरोप काफ़ी गंभीर हैं। मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले वकील ML शर्मा ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल को रोका तो CGI ने इस पर आपत्ति जताई। CGI रमना ने शर्मा से कहा कि आपकी याचिका में अखबारों की कटिंग के अलावा क्या डिटेल है, आप चाहते हैं कि सारी जांच हम करें और तथ्य भी जुटाएं, ये जनहित याचिका दाखिल करने का कोई तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले में विदेशी कंपनियाँ भी शामिल हैं, यह एक जटिल मसला है, नोटिस लेने के लिए केंद्र की ओर से किसी को पेश होना चाहिए था। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी। न्यायालय वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुआ ठाकुरता की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई करेगा। उनका नाम उस कथित सूची में शामिल है जिनकी पेगासस की मदद से जासूसी की जा सकती थी। पत्रकार ने अपनी अर्जी में अनुरोध किया है कि शीर्ष अदालत केंद्र सरकार को जाँच से जुड़ी सभी सामग्री सार्वजनिक करने का निर्देश दे। ठाकुरता ने अपनी अर्जी में कहा है कि पेगासस की मौजूदगी का भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने न्यायालय से स्पाईवेयर या मालवेयर के उपयोग को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया है। पेगासस जासूसी मामले में द वायर ने अब तक 161 लोगों के नाम जारी कर दिए हैं जिनकी पेगासस के जरिए जासूसी की गई है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ही इस मामले को विपक्षी दलों ने उठाया है और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से उम्मीद है कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सुनवाई की जाएगी।
दिल्ली कैंट के इलाके में 1 अगस्त को एक शमशान परिसर में पीने का पानी लेने गई एक पड़ोस की 9 साल की एक दलित बच्ची की कुछ घंटे बाद जान चली गई। आखिर उसकी जान किसने ली और क्यों? परिवार और इलाके के लोग इसे बलात्कार के बाद की गई हत्या कहते हैं। आरोपी इसे करंट लगने का हादसा बताते हैं। आखिर सच क्या है? इस मामले में पुलिस की क्या भूमिका है? हाथरस कांड की तरह बच्ची की मौत के बाद उसके घर वालों की गैर मौजूदगी में उसकी अंतिम क्रिया दूसरे लोग क्यों करते हैं? आखिर हमारे समाज में महिलाओं, खासकर दलित महिलाओं पर बढ़ते जघन्य अपराधों का सच क्या है? देखिए वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का यह विश्लेषण। लेकिन दिल्ली में आखिर पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस जाने अनजाने कोलैबोरेट कर रही थी अपराधियों के साथ? क्या वजह है कि घर वालों को एक रात और दिन में थाने में रखा गया? आरोपियों को थाने में रखा जाता है, लेकिन यहां पर जो विक्टिम है, विक्टिम जो फैमिली है, उसको थाने में रखा गया। और ये बयान दिया है घर वालों ने। बकायदे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आई हैं, अखबारों में भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें भी ये कहा गया है। और घर वालों को कहा गया कि अब तो तुम्हारी बेटी चली गई, अब उसको लेकर बाबेला मचाले से क्या मिलेगा। ये घटना राष्ट्रीय राजधानी की है, जहां पर कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी भारत की केंद्रीय सरकार की है, जिसके सर्वे सर्वा अमित शाह जी हैं, जो भारत सरकार में नंबर 2 माने जाते हैं। ये हाल है। बहुत सारे लोगों का सोचना था निर्भया कांड के समय कि कड़े दंड प्रावधान हो जाने से बलात्कार जैसे बड़े अपराध रुक जाएंगे। दोस्तों, दुनिया का जो इतिहास है उसमें खासकर क्राइम और पनिशमेंट को लेकर जितने भी महत्वपूर्ण पड़ताल हुई है, जितने महत्वपूर्ण शोध हुए हैं, उन सब में माना गया है कि सिर्फ और सिर्फ दंड के कठोर होने से, कठोर दंड प्रावधान किए जाने से अपराध नहीं रुकता। अपराध रुकता है समाज को बेहतर बनाने से, समाज में असमानता को खत्म करने से, समाज में घृणा, नफरत, विभाजन की जो प्रवृत्तियां हैं उनको खत्म करने से, अपराध को शह देने वाली शक्तियों को कमजोर करने से। आप जानते हैं ये लड़की श्मशान गृह में, श्मशान जो श्मशान का पूरा परिसर था जहाँ पर शवदाह किया जाता है, वहाँ क्यों गई थी? वहाँ पानी के लिए गई थी, क्योंकि उसको घर में ठंडा पानी नहीं था। ये गरीब लोग हैं, बेहद गरीब लोग। उस बेहद गरीब परिवार की लड़की पानी के कारण वहाँ गई थी। इतने अभावग्रस्त परिवार की बेटी के साथ जुल्म किन लोगों ने ढाया, जिन पर आरोप है, जो इस घटना के एक्यूज्ड हैं, उसी श्मशान परिसर के एक पुजारी उसमें इन्वॉल्व है, एक्यूज्ड में, और 3 अन्य लोग, और उन सब की उम्र जो है 45 से 63 के बीच में बताई जाती है। तो ये जो आरोपी हैं, ये कहा जाता है कि बहुत दिनों से इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व थे। और दोस्तों, ये भी मैं बता दूं कि उसी श्मशान के परिसर में 2 बलात्कार कांड और हो चुके हैं, जिनके एक्यूज दूसरे हैं। हो सकता है कि कोलैबोरेट करने वालों में ये आरोपी हों जो आज के आरोपी हैं, ये भी हो सकता है, कौन जाने। लेकिन अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करती, पहले के बलात्कार कांडों में न्याय नहीं होता, तो कैसे माना जाए कि कोई भी आरोपी, कोई भी अपराधी वो न्याय की प्रक्रिया से डरेगा, भयभीत होगा? केवल अपराध में पनिशमेंट बढ़ा देने से लोग अपराध करना नहीं छोड़ते, जब तक कि समाज में न्याय न मिले, जब तक कि समाज में समानता न हो, जब तक कि समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा, विभाजन, इस तरह की प्रवृत्तियों को रोका न जाए, कम न किया जाए, मिनिमाइज न किया जाए। इसलिए आप पाएंगे कि दुनिया के उन देशों में जो सबसे अपराध मुक्त देश हैं, वो दरअसल सबसे खूबसूरत मुल्क भी हैं। समानता वहाँ ज़्यादा है, सबसे जहाँ कम असमानता है, जहाँ डेमोक्रेसी है,
जहां गैर बराबरी वाकई काफ़ी कम की जा चुकी है, जहां लोगों की हिस्सेदारी शासन में, प्रशासन में, समाज के अन्य गतिविधियों में है, लेकिन यहां तो चंद लोग हैं जो समाज चलाते हैं और शेष लोग असमानता भरा एक बेहद खौफनाक समाज के विक्टिम बनते हैं। जिस समाज में उनको खुशहाली से जीना है उस समाज में वो किसी तरह से गुजर बसर करते हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार 5 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के फिर से 42,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से 533 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में आज फिर 195 मरीजों की मौत हुई, वहीं केरल में 108 और उड़ीसा में 67 मरीजों की मौत हुई। साथ ही इसी दौरान देश भर में कोरोना से पीड़ित 41,000 से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 723 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,18,00,000 से ज़्यादा हो गई है, जिनमें से अब तक करीब 4.5 लाख लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.37% यानी 3 करोड़ से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1.23% यानी करीब 4 लाख हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 49 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें से 37.5 लाख डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।